अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिशन सपरिंग 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं, एंड इनके लिए हमने अप्लाई किस तरह करना है, और इसका हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ होने वाला है, और एडमिशन के जो टेस्ट है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। और जो भी डिटेल्स हैं और एट द एंड जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी इसे मैंने ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ हाईलाइट्स हैं उस तरह से हैं, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एडवर्टाइजमेंट फॉर्म की, तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है जिसपे हमारे पास लिखा हुआ है हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस है। हमारे पास यहाँ पर एडमिशन स्प्रिंग 2022 है। और जो डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे BCA जो डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स है, और ये 4 साल प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है FAFSC ICSE ए लेवल ICOM DA डिप्लोमा आपका, ठीक है। उसमें आपको जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 45% होने चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे BSFST है जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी जो हायर सेकेंडरी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट 45% होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे जो ADP है 2 साल डिप्लोमा, इंटरमीडिएट FAFSC ICSE फिर ए लेवल ICOM इनकी डिमांड है, और ये डिप्लोमा करवा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, एंड डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग में। फिर हमारे पास यहाँ पे है हम तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल है BBA का। फिर हमारे पास यहाँ पे BBA 2 साल का है। फिर हमारे पास यहाँ पे BSAF है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वीकेंड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन है वो MBA है 2 साल। MBA हमारे पास यहाँ पे नॉन बिजनेस है वो भी 2 साल का, ये वीकेंड प्रोग्राम में है। देन हमारे पास यहाँ पे MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 2 साल का, और ADP हमारे पास 2 साल डिप्लोमा यहाँ पे अगेन उन्होंने दिए हुए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, एंड बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में है, एंड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये लोग न्यू ऑफर कर रहे हैं इस साल वो आपके पास जो है FHMS है, फैसिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। इसके अंदर आपको जो है DPT 5 साल जो है आपका डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ठीक है। FSC प्री मेडिकल के साथ आपके होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। दैन हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है, इसमें हमारे पास जो है BAMS है BEMS बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी आपके पास 5 साल का कोर्स है। और BSH HND है, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है। और फिर हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाता है, इसमें हमारे पास BEd करवा रहे हैं 1.5 साल का। फिर BEd हमारे पास यहाँ पे 2.5 साल का है। फिर हमारे पास यहाँ पे BEd ऑनर्स है 4 साल का। फिर हमारे पास यहाँ पे AD एजुकेशन है, और यहाँ पे हमारे पास AD एजुकेशन 0 सेमेस्टर है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इसमें एडमिशन इंस्ट्रक्शंस की, मतलब हमने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई के लिए कह रहे हैं कि आपने जो है इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आपने विजिट करना है www.hamdard.isb.edu.pk। वहाँ पर आपने अपने एक ईमेल बनानी है, और अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिक्वायर्ड वो आपने PDF के फॉर्म में अपलोड करने हैं ऑनलाइन ही। और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑनलाइन फॉर्म टेक अ प्रिंट एंड कुरियर दी, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप कर लेंगे तो उसको आपने प्रिंट निकलवा लेना है, और उसके साथ जो है आपने 2 सेट डॉक्यूमेंट्स के अपने लगाने हैं, और उनके साथ जो है आपने एक पे ऑर्डर लगाना है 1500 रुपये का, और वो पे ऑर्डर लगाने के बाद जो है आपने यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पर सेंड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यहाँ पे लिखे हुए 25 फरवरी 2022 है, मतलब 25 फरवरी 2022 से पहले पहले जो है हमने इसके लिए अप्लाई करना है। अभी अगर हम बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिशन टेस्ट सैम्पल पेपर्स की, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी का हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो अब जिस भी डिपार्टमेंट का आपने चेक करना है, पैरासूटिकल साइंस है हमारे पास, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंस है, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मैं फार्मास्यूटिकल साइंस जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने सेमेस्टर मतलब फीस स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे फार्म डी था उसका फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितने पे करने, सेकंड में कितने, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। तो मतलब सभी सेमेस्टर के उन्होंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और MPhil फार्मेसी का भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक और हम चेक कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, तो यहाँ पे एसोसिएट डिग्री थी ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, उसका फीस स्ट्रक्चर है हमारे पास। और बाकी फीस स्ट्रक्चर ऑफ BBA का हमारे पास ये फीस स्ट्रक्चर ऑफ BBA 2 साल का जो हमारे पास है उसका फीस स्ट्रक्चर है। नीचे आए हमारे पास यहाँ पे MBA का है, और फिर MBA बिजनेस है, तो सारे के सारे जो फीस स्ट्रक्चर हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फीस स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
ये हमारे पास इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स जो है, तो ये सभी की सभी फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। एंड अभी हम बात करें इसके टेस्ट पेपर्स के बारे में, तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसका जो आपने टेस्ट सैंपल है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप बीएससीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो सैम्पल पेपर नंबर 1 है वो आपको यहाँ से मिलेगा। और वो सैम्पल पेपर इस तरह का है, ठीक है, मतलब इसमें आपके जो पास पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर जिसे हम कहते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका जो टेस्ट होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन हैं और उसकी जो डिटेल है वो भी यहाँ पर दी है, जैसे हमारे पास प्रोग्राम है, जैसे बी इलेक्ट्रिकल है, बी एस कंप्यूटर साइंस है, ये बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स है, ठीक है। इसमें आपके 20 एम सी क्यू जनरल नॉलेज से होंगे, 20 आपके इंग्लिश से होंगे, ठीक है, 20 आपके इंटेलिजेंस से होंगे। तो इस तरह करके आपका 60 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये पिछले साल वाला जो है इन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ, ठीक है, पास पेपर। एंड जिस भी डिपार्टमेंट का आपने जो पेपर डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हर एक मतलब 2-3 किस्म के यहाँ पे इन्होंने पेपर दिए हुए, तो आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें इसमें अप्लाई ऑनलाइन की, हमने अप्लाई ऑनलाइन किस तरह करना है, तो उसके लिए हम जो है इसका ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने जो है कैंपस सेलेक्ट करना है, मतलब आप किस कैंपस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इस्लामाबाद कैंपस। फैकल्टी आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस है, ईस्टर्न मेडिसिन है, हेल्थ साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, तो मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर लेते हैं। और प्रोग्राम जो है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आप किस प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए मैनेजमेंट साइंस कर लेते हैं, मैं असल में जो मेरा फेवरेट है उसके लिए मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ किधर गया हूँ। चलिए किसी के लिए अप्लाई कर लेते हैं, एसोसिएट डिग्री है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसकी हमारे पास यहाँ पर डिटेल है, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या बन रहा है, आईएसएस कंप्यूटर साइंस में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, एफए आर्ट्स के साथ प्री मेडिकल में आपकी कितनी परसेंटेज हो, सारे के सारे जो है यहाँ पर था कि आपको जो बेसिक बैकग्राउंड से होनी चाहिए और आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए एफएससी के अंदर या आईएसएस के अंदर, जो भी आपने इंटरमीडिएट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने अपनी एक ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे और आपका एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके ईमेल एड्रेस के साथ। तो जो ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पर वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है जो ईमेल एड्रेस जो है इस वक्त आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन है, ठीक है, ताकि जब आपके फ़ोन पर कोई ईमेल या एसएमएस आए तो वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अपना ईमेल, और यहाँ पर आप अपना लिखेंगे फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपना फादर नेम लिखेंगे, देन हम यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देंगे। तो जब यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखी और पासवर्ड लिखा, देन मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे सामने इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो जिस तरह से होता है, ठीक है, सबसे पहले हम इसका होम पेज पे, उसके बाद हमारे पास जो है जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पेज आ रहा है, ठीक है। इस पेज के अंदर जो है आपने अपना डाटा पुट करना है, यहाँ पर हम तस्वीर अपलोड करेंगे, अपना सीएनएससी नंबर लिखेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड परमिशन लिखेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे आप, और रेफरेंस इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो आप देना चाह रहे हैं किसी बंदे का रेफरेंस, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता चला, तो ये यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा, आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट आपकी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब आपने जो है मैट्रिक कहाँ से की, किस स्कूल से की, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है, मैट्रिक से आपने स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैट्रिक आपने किस सब्जेक्ट में मैट्रिक की थी, ठीक है, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, सीजीपीए कितना था, अगर वो नहीं है आपका तो उसको कैंसिल कर दें, किस बोर्ड से किया, पासिंग ईयर कितना कौन सा था आपका, स्टेटस बताएं आपने, रिजल्ट आ गया कुछ या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सीजीपीए वाले पूछ लिखना चाह रहे हैं तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं। ऐसे आपने अपनी एफएससी के बारे में बताना है, एफएससी या
ए लेवल, ओ लेवल, जो भी आपने किया ICS, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड ये सब लिखने के बाद आपने इसको प्रोग्राम प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। प्रोग्राम प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने अपने मतलब चार प्रोग्राम होंगे, वो अपने मतलब पांच है हमारे पास यहाँ पे, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। मतलब आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कौन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। देन हमने यहाँ पे अपना जो डाउनलोड वाउचर है वो आपने डाउनलोड करना है। जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे देन उसी हिसाब से जो आपके सामने आपका वाउचर आएगा, मतलब आप कितने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से 1500 का फ्री वाउचर होगा, ठीक है। जब आप उस वाउचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसके बारे में लिखा हुआ कि आपने डाउनलोड फ्री वाउचर को अपने जो प्रिंटर उसको जनरेट करें, उसका प्रिंट योर अकाउंट फी वाउचर और जस्ट ब्रिंग योर अकाउंट फी वाउचर टू एनी ब्रांच ऑफ बैंक मेंशन्ड ऑन द वाउचर, ठीक है। उसके बाद जाना पड़े बैंक के पास और बैंक अब आपकी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और आपको रसीद दे देगा। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करेंगे तो आपने जो है वो साथ लेके जाना है, जो आपने वाउचर बैंक को दिया होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने उसका नंबर लिख कर अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इस में स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो स्कॉलरशिप में क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि आपने जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह से लेनी है, या इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप जो है वो कौन कौन सी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फी कंसेशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन ऑफ शहदा के लिए भी है, जो सिबलिंग्स हैं वो शहदा के लिए, तो वो भी यहाँ पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मेरिट अवार्ड भी है इनके पास, असिस्टेंटशिप भी है, सिस्टर एंड ब्रदर कंसेशन भी है, और हार्डशिप कंसेशन भी है। तो ये सारी आप पर डिपेंड करती है, मतलब अगर आप खासी जी पी आप अपना मेंटेन रखते हैं तो आपको जो है अच्छी खासी जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।